हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं एक लाइफ बदलने वाला कलेक्शन जो आपके पर्सनल फाइनेंस के गेम को एक नए लेवल पर ले जाएगा 15 बुक्स ऑन पर्सनल फाइनेंस एवरी वन मस्ट रीड पर्सनल फाइनेंस पर ये 15 किताबें हर किसी को जरूर पढ़नी चाहिए पैसा हम सभी की लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है और हम इसे ज्यादातर लोग इसको मैनेज करने में बहुत खराब होते हैं इसी वजह ऐसी हम इसे बहुत से लोग पैसे को लेकर बहुत सी दिक्कतें फेस करते हैं लेकिन क्या आपको पता है की सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज लेने ऐसी आप अपने पैसों की ज्यादातर दिक्कतों ऐसी बाहर निकल सकते हैं आपने सही समझा चाहे आपकी इनकम सेम ही क्यों ना हो तब भी आप अपनी पैसों से जुड़ी ज्यादा तो दिक्कतों से बाहर निकल सकते हैं इन बुक्स को समझने के बाद आप अपने पैसे को मैनेज करना सीखेंगे लोन या कर्जे ऐसी बाहर निकल पाएंगे फाइनेंशियल गोल सेट कर पाएंगे और उन्हें अचीव कर पाएंगे फाइनेंशियल रिस्क ऐसी बच पाएंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ सीख पाएंगे और वेल्थ बिल्ड करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट थ्री बुक्स मेरी पर्सनल फेवरेट हैं। द टोटल मनी मेकओवर बाय मेक ओवर फेमस पर्सनल फाइनेंस स्पेशलिस्ट पर्सनलिस्ट डेवर कर से बाहर निकलें और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए एक प्रैक्टिकल और आसान तरीका बताते हैं इस बुक का मेन पॉइंट बेबी स्टेप्स है जो सात सिक्वेंशल एक्शन की एक सीरीज है जिसमें एक इमरजेंसी फंड बनाना डेट स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल करके लोन की पेमेंट करना और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना शामिल है रैम से कैश बेस्ड बजट सिस्टम का सपोर्ट करते हैं और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को अवॉइड करने का सजेशन देते हैं उनकी नो नॉन अप्रोच और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आरोप जोर उन रीडर्स को पसंद आती है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर कंट्रोल रखने के लिए एक्साइटेड है द टोटल मनी मेक एक इंस्पायरिंग और वर्क ओरिएंटेड बुक है जिसने अनगिनत लोगों को लोन फ्री होने और एक सिक्योर फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने में मदद की है द मिलेर नेक्स्ट बाई थॉमस जे स्टैनली एंड विलियम डेड एन को अमेरिका में रहने वाले मिले की लाइफ पर डीब्री रिसर्च के बेस पर आंखें खोल देने वाली ये किताब वेल्थ के बारे में कॉमन गलत मान्यताओं को चैलेंज करती है ऑथर बताते हैं कि बहुत से मिलेनियर्स रहते हैं डिसिप्लिन के साथ फाइनेंशियल हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं जो फिजूल खर्ची के स्टेरियोटाइप को तोड़ते हैं वो मिलेनियर्स की शेयर की गई इंपॉर्टेंट खासियतों के बारे में बताते हैं की अपनी कैपेसिटी ऐसी कम में लाइफ को जिये समझदारी ऐसी इन्वेस्ट करें और वेल्थ दिखाने की बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम को प्रायोरिटी दे रियल लाइफ कहानियों और डेटा से द नेक्स्ट डोर स्मार्ट मनी मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म से पैसे बनाने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने पर वेल्यूबल लेसन प्रोवाइड करती है बुक रीडर्स को पैसे बनाने के माइंडसेट को अपनाने के लिए मोटिवेट करती है और इस कॉन्सेप्ट से दूर करती है कि मिलेर होने के लिए लग्जरी लाइफ जीना जरूरी है आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी यंग प्रोफेशनल्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तैयार ये अट्रैक्टिव बुक पर्सनल फाइनेंस पर कंट्रोल रखने के लिए छह हफ्ते का वर्क प्लान बताती है रमित की अप्रोच मजाकिया और रिलेटेबल है जिससे रीडर्स के लिए मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाता है बुक में बजट बनाना सेव करना इन्वेस्टमेंट करना और एम्प्लॉयमेंट ऑफर पर बातचीत करना इन जैसे टॉपिक शामिल हैं। ये ऑर्गेनाइज वे में वेल्थ बनाने के लिए पैसों को ऑटोमेटिक करने की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है और रीडर्स को उस बड़ी जीत पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करती है जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इफेक्टिवली बदल सके आई विल टीच यू टू बी रिच रीडर्स को अपने पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करने और अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के साथ साथ लाइफ के सुखों का जिम्मेदारी ऐसी मजा लेने के लिए गाइडेंस देती है थिंक एंड ग्रो रिच बैन नेपोलियन हिल सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट के एरिया में एक टाइमलेस क्लासिक ये बुक फाइनेंशियल सक्सेस के साथ आपके फ्यूचर को शेप देने में थॉट्स और बिलीफ की पावर के बारे में बताती है हिल ने प्रोस्पेरिटी की ओर ले जाने वाले आसान तरीकों की पहचान करने के लिए थॉमस एडिसन और इंटरव्यू करने की सहित सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू का रेफरेंस लिया है वो क्लियर फाइनेंशियल गोल्स बनाने उन्हें हासिल करने की बर्निंग डिजायर बनाए रखने और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने की इम्पोर्टेंस जोर देते हैं हालांकि पूरी तरह से पर्सनल फाइनेंस बुक नहीं है थिंकिंग रिच पैसों की साइकोलॉजी और फाइनेंशियल गोल को हासिल करने में माइंड की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए एक बेस की तरह तैयार करती है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट क्यूसा ये अमेजिंग बुक ऑथर की लाइफ में दो फादर फिगर के माइंड के बीच एक पावरफुल डिफरेंस को बताती है उनके रिच डैड जो उनके सबसे अच्छे दोस्त के फादर हैं और उनके पुअर डैड जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं इन डिफरेंसेस से कियोसाकी ऐसे जरूरी फाइनेंशियल लेसन को शेयर करते हैं जो पैसों और वेल्थ के बारे में रीडर्स के थॉट्स को नया शेप देने की क्षमता रखते हैं बुक फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच के डिफरेंस करने और पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्स बनाने पर जोर देती है ये रीडर्स को ट्रेडिशनल इंप्लॉयमेंट की बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस माइंडसेट अपनाने के लिए मोटिवेट करती है कियोसाकी का आसान राइटिंग स्टाइल और रिलेवेंट एक्साम्पल्स मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने में आसान बनाते हैं जिससे रिच डैड पुअर डैड एक टाइमलेस बेस्ट सेलर बन गई फाइनेंशियल सक्सेस चाहने वालों को इसे जरूर पढ़ना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अप्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड एक सक्सेसफुल इंटरप्रीनियर और पर्सनल फाइनेंस ग्रैंड सबेटियर की लिखी हुई बुक है इस बुक में सबेटियर ने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने और अपनी शर्तों पर लाइफ जीने के लिए फ्रीडम हासिल करने के लिए एक एक्शन ओरियंटेड रोड मैप का स्ट्रक्चर तैयार किया है ये बुक आपके इनकम बढ़ाने खर्चों को कम करने तेजी ऐसी वेल्थ बढ़ाने के लिए समझदारी ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की इम्पोर्टेंस आरोप जोर देती है सबेटियर ने फायर यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर के ऐसे कॉन्सेप्ट को बताया है जिसने जल्दी रिटायरमेंट चाहने वालों के बीच पॉपुलरिटी पाई है वो अपने प्रोवन प्रिंसिपल और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके सिर्फ पांच सालों में दिवालिया और अनएम्प्लॉयड होने से लेकर मिलेनियर बनने तक की अपनी पर्सनल जर्नी को भी शेयर करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम रीडर्स को अपनी वेल्थ पर कंट्रोल रखने और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक सॉलिड बेस बनाने के लिए बजट टिप्स इन्वेस्टमेंट इन और माइंड में बदलाव सहित प्रैक्टिकल एडवाइस और टूल्स प्रोवाइड करती है बुक की एक्शन ओरियंटेड स्ट्रेटेजीज और मोटिवेटेड तरीका इसे रीडर्स के लिए उनकी फाइनेंशियल जर्नी के हर स्टेप में एक अच्छा रिसोर्स बनाते हैं बिगनर से लेकर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर तक जो फाइनेंशियल फ्रीडम के डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ में तेजी लाना चाहते हैं उनके लिए ये बुक अच्छा रिसोर्स है द बोगल हेड गाइड टू बाइ टेलर लेरीमोर मेल इंडोर और माइकल लेबो इन्वेस्टमेंट के लिए कॉम्प्रेसिव गाइड वेन के फाउंडर और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग के सपोर्टर जॉन सी बोगल के प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये बुक एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाने कॉस्ट को कम करने और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाए रखने पर सीधी सलाह प्रोवाइड करती है बोगल हेड्स बोगल फिलोसफी से इंस्पायर इंडिविजुअल इन्वेस्टर का एक ग्रुप है जो इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैसिव अप्रोच बताता है द बोगल हेड टू इन्वेस्टिंग बिगनर्स और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए एक एक्सीलेंट रिसोर्स है जो फाइनेंशियल बिजनेस के शोर और मुश्किलों में फंसे बिना फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताती है द रिचेस्ट मैन इन बेबी लॉन बाय जॉर्ज क्लासन पुरानी बेबी लॉन्न स्टोरीज के जरिए यह क्लासिक बुक ऐसे फंडामेंटल फाइनेंशियल प्रिंसिपल सिखाती है है, जो आज भी उतनी ही जरूरी है स्टोरेज सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और समझदारी से मनी मैनेजमेंट पर आसान लेकिन पावरफुल लेसन सिखाती है और उनके एक्सपीरियंस से या पैसों से कम में लाइफ को जीने कर्ज से बचने और इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाने की इम्पोर्टेंस को बताती है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल करके एक सिक्योर और मजबूत फ्यूचर की नींव रखने की सलाह देती है इसकी टाइमलेस नॉलेज दुनिया भर के रीडर्स को रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाने टाइम के साथ वेल्थ बनाने और बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है ब्रोक मिलेनियल बाई एरिन लॉरी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करने वाले मिले के लिए तैयार ये बुक पैसे को इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने और पर्सनल फाइनेंस की मुश्किलों से डील करने पर प्रैक्टिकल सलाह देती है एरन लॉरी बजट और सेविंग से लेकर इन्वेस्टमेंट और स्टूडेंट लोन से निपटने तक अलग अलग टॉपिक्स को सिखाती है बुक की कम्युनिकेटिव और रिलेटेबल टोन इसे उन यंग रीडर्स के लिए समझना आसान बनाती है जिन्हें ट्रेडिशनल पर्सनल फाइनेंस बुक समझने में मुश्किल होती है लॉरी की नो नॉनसेंस अप्रोच आज की जनरेशन को अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर कंट्रोल रखने और अपने पैसे के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करती है ब्रोक मिलेनियल उन यंगस्टर्स के लिए एक एक्सीलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है जो फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल न्यू बनाना चाहते हैं द सिंपल पाथ टू वेल्थ बाई जे एल प्रैक्टिकल और शॉर्ट बुक में जे एल कॉलिस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने और जल्दी रिटायर होने के लिए एक सिंपल सबमिशन गाइड करते हैं कॉलिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक आसान नजरिया बताते हुए कहते हैं कि मेनली लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स पर ध्यान देना चाहिए वो शेयर मार्केट की ताकत के बारे में बताते हैं कि कैसे ब्रॉड मार्केट फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑथर वेल्थ वेल्थ को बढ़ाने के लिए सेविंग्स अपने रिसोर्सेज से कम में लाइफ जीने और कर से बचने की इम्पोर्टेंस पर भी जोर देते हैं द सिंपल पाथ टू वेल्थ लोगों के लिए स्पेशली अच्छी बुक है क्योंकि ये मुश्किल फाइनेंशियल को आसान बनाती है और एक मजबूत फाइनेंशियल न्यूज बनाने के लिए एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान देती है बुक के लाइसेंस कॉलिज के पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसी जुड़े हैं जो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के इच्छुक हर किसी रीडर के लिए रिलेवेंट और मोटिवेशनल बुक बनाते हैं दी ऑटोमेटिक मिलेर डेविड बैक द ऑटोमेटिक मिलेर में पहले खुद को पे करने के कॉन्सेप्ट को बताते हैं जहां रीडर्स को अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक करने के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि बिना सोचे समझे खर्च करने का मौका मिलने से पहले आपके पैसे रिटायरमेंट अकाउंट और दूसरे इन्वेस्टमेंट में चले जाएं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पर जोर देकर बैक बताते हैं कि कैसे नॉर्मल इंसान टाइम के साथ अच्छी वेल्थ बना सकते हैं वो घर के मालिक बनने की इंपॉर्टेंस और नेटवर्क बनाने में इसके रोल पर भी जोर देते हैं बुक का अट्रैक्टिव राइटिंग स्टाइल और प्रैक्टिकल एडवाइस इसे अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले रीडर्स के लिए आसान बनाता है चाहे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हो या अपनी मौजूदा पैसों की हैबिट्स में सुधार करना चाहते हो ऑटोमेटिक दिलेनर आपके फाइनेंशियल गोल को हासिल करने में मदद करने के लिए एक्शनेबल स्ट्रेटेजी सिखाती है इन्वेस्टमेंट के प्रैक्टिकल पर गहराई से डिस्कशन करते हैं ये बुक उन नॉर्मल पर फोकस करती है जो लोग इमोशनल डिसीजन लेने के कारण करते हैं जैसे ज्यादा में खरीदना और सस्ते में बेचना और ये भी बताती है कि कैसे ये बिहेवियर्स फाइनेंशियल फेलियर का कारण बन सकते हैं रिचर्ड इस बात को क्लियर करने के लिए आसान एग्जांपल्स का इस्तेमाल करते हैं कि इमोशन अक्सर फाइनेंशियल चॉइसेस को चलाते हैं भले ही वो फैक्ट के अपोजिट हो बुक एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने उस पर टिके रहने और बाजार में तार चढ़ाव के दौरान इम्पल्सिव एक्शन से बचने की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है एक सजेस्टिव और नॉलेज बुक है जो रीडर्स को अपनी फाइनेंशियल डीलिंग के बारे में अवेयर होने और एक्सपेंसिव मिस्टेक से बचने के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करने के लिए मोटिवेट करती है दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रह अक्सर इसे इन्वेस्टमेंट की बाइबल के रूप में जाना जाता है ये क्लासिक बुक शेयर मार्केट की शुरुआत करने और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइमलेस विजडम प्रोवाइड करती है फेमस इकोनॉमिस्ट और वैल्यू इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रहम की लिखी गई ये बुक जो वॉरेन बोफे के गुरु भी थे फंडामेंटल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म सोच की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है ग्राम के मार्केट के रैशनैलिटी और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से अफेक्ट ना रहने की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट को बताया है वो इन्वेस्टमेंट करते टाइम सिक्योरिटी के मार्जिन का भी आइडिया ऑफर करते हैं ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेस बन गया है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखने वाले हर इंसान की पड़ी हुई बुक है जो फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलर उतार चढ़ाव से डील करने के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट और रैशनल अप्रोच प्रोवाइड करती है योर मनी और योर लाइफ बाय विकी रॉबिन और जॉय डॉम्स ये इफेक्टिव बुक पैसे और काम के बारे में पुराने आइडियाज को चैलेंज करती है और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने और फुलफिलमेंट पाने के लिए नाइन स्टेप प्रोग्राम ऑफर करती है ऑथर लाइफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट आरोप फोकस करते हैं जिससे रीडर्स को चीजों को इस्तेमाल करने वाले लगने वाले टाइम में उनकी खरीदारी की सही कीमत को समझने में मदद मिलती है बुक रीडर्स को अपनी स्पेंडिंग को अपनी वैल्यूज के साथ देखने और मेटेरियल चीजों की बजाय एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटी देने के लिए मोटिवेट करती है ये कंफर्टेबल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए समझदारी से सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस पर भी रोशनी डालती है योर मनी और योर लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स ने अनगिनत रीडर्स को पैसे के साथ अपने रिलेशन को दोबारा ऐसी दिखने और कॉन्शियस चॉइस लेने के लिए मोटिवेट किया है जिससे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम और खुशी मिलती है सीक्रेट ऑफ द मिलेर माइंड मास्टिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार वेकर की लिखी हुई लाइफ चेंजिंग बुक है इस बुक में एकर वेल्थ की साइकोलॉजी पर रोशनी डालते हैं और बताते हैं कि कैसे किसी का माइंडसेट और बिलीफ फाइनेंशियल सक्सेस पर इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं एक ने मनी ब्लूप्रिंट का का भी बताया है जो पैसे के बारे में लोगों के सबकॉन्शियस बिलीफ और थॉट पैटर्न को शो करता है वो बताते हैं कि कैसे पुराने बिलीफ जो अक्सर बचपन के दौरान बनते हैं आपकी फाइनेंशियल रियालिटी को शेप देते हैं जिन लोगों का मनी ब्लू कमियों और लिमिटेशन के लिए बना है उनकी इनकम कितनी भी हो वो पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे बुक सत्रह ऐसी वेल्थ फाइल्स को बताती है जो अमीर लोगों के स्पेसिफिक थॉट पैटर्न और स्ट्रैटेजीज है एकर आपके मनी ब्लूप्रिंट को कमी से बर्डेंस में बदलने के लिए प्रैक्टिकल और एक्शन स्टेप शेयर करते हैं जिससे रीडर्स मिलेनर के माइंडसेट और हैबिट्स को अपनाने में सक्षम होते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये सभी किताबें हम सभी के लिए कितनी जरूरी हैं। अब वक्त है इन सभी को डिटेल में समझने का कुछ बुक्स की वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है आप उन्हें भी देख सकते हैं और जिन बुक्स आरोप आप चाहते हैं की हम वीडियो जरूर बनाए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इन सभी बुक्स की ओरिजिनल कॉपी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक ऐसी भी खरीद सकते हैं जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ थैंक यू सो मच